दोस्तों, आज का यह वीडियो राष्ट्रहित पर आधारित होगा, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आप अपने परिवार के सदस्यों को किस तरीके से ऑक्सीजन से बचा सकते हैं और लेवल ऑक्सीजन का तुरंत सेकंडों में इंक्रीज कर सकते हैं। याद रखिएगा, आने वाले 2 सेकंड में हम आपको 5 ऐसे जबरदस्त उपाय बताएंगे जो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले। सबसे पहले जान लेते हैं उपाय से पहले कि कितना हमारा ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, हमारे शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, 95 से 100 के बीच में, यानी 95 से 100% के बीच में ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल माना जाता है। सबसे अहम मुद्दा है, अगर आपको अपनी जान बचानी है या सदस्यों की जान बचवानी है भैया, तो याद रखना है कि टेंशन से, पैनिक होने से आपके शरीर में 20% ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिन रात आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन मापते रहते हैं और इससे आप मेंटल पैनिक के शिकार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक होगा। सबसे पहला उपाय जानते हैं मुद्दे की बात पर कि 2 पीपल के पत्ते का सेवन करना है, तो 2 पीपल के पत्ते का सेवन करने से ऑक्सीजन सेकेंडों में इंक्रीज होती है। आपको ये करना है दोस्तों, याद रखिएगा, और पूरी तरीके से ये प्रयोग आजमाया हुआ है। दूसरा, गहरी सांस लेने और छोड़ने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। याद रखना है, आपको कितनी भी दिक्कत हो रही है सांस लेने में, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि लंग्स क्या होते हैं, पानी का स्रोत होते हैं, हवा का स्रोत होते हैं, इससे जितना लंग्स फैलेंगे उतना कहीं ना कहीं आपके शरीर में ऑक्सीजन जाएगी। उपाय नंबर 3, नाक में 2 बूंद नींबू का रस डालने से शरीर में ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बढ़ता है। बहुत सारे फेक भी इसको मानते हैं, लेकिन आप सभी को जानना जरूरी है कि यह आजमाया हुआ प्रयोग है। और आपने ये देखा होगा, नेजल स्प्रे आजकल चल रहे हैं, वो नाक से ही यूज होती हैं। प्रोनिंग को अपनाएं, पेट के बल लेटकर वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रोनिंग नहीं पता है तो यूट्यूब पर सर्च करें कि प्रोनिंग कैसे किया जाता है, उल्टे लेटकर यह प्रोनिंग पद्धति होती है, फटाफट इसको अपनाना चाहिए। और उपाय नंबर 5 दोस्तों, कपूर को अपने पास रखें, ये सबसे जबरदस्त, सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है इस समय। उसकी गहरी स्मेल लेनी है आपको। अगर आपको नहीं पता है तो कपूर देखो व्हाइट वाला खरीद लेना है, और बिल्कुल व्हाइट वाला, थोड़ा सा कलर चेंज होता है, उसको नहीं खरीदना है। क्या करना है कि कपूर की पोटलियां छोटी छोटी बना लेना है और उसको स्मेल लेनी है, ठीक है। और उपाय नंबर 6 दोस्तों, लास्ट रहेगा कि पानी की शरीर में कमी नहीं होने देनी है। आप सभी को पता है कि पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि पानी ही आपके लंग्स का स्रोत होते हैं, और लंग्स में पानी और हवा ही इंपॉर्टेंट होती है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए पानी जरूरी है पीना, पानी ज्यादा से ज्यादा, बिना प्यास के पानी पीना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों की जान बचाई जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।